परफेक्ट, मतलब कि आप जो देख रहे हो ना, देख लो यार, आप पहले देख लो कि मेरा किस तरह से है, पहले मेरा किस तरह से था, मैं वो भी दिखा देता। सो गाइज, आज का जो वीडियो है ना वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना वो शायद ही आपको कहीं YouTube पे दिखेगा, बहुत जगह दिखेगा, बट गाइज आपको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा जैसा कि मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो गाइज आज मैं आपको ऐसा क्या दिखाने वाला हूँ, तो गाइज ये बात जो है कुछ शुरू होती है एक साल पहले मुझे कुछ ऐसा लगता है जो कि मेरी ही खुद की स्माइल अच्छी नहीं लगती है। जी हाँ गाइज, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है ना इस चीज़ में यही आता है कि आपको स्माइल अच्छी नहीं लगती है, आपके दांत अगर सही नहीं होते हैं ना तो आपको अंदर से वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं आता है। जी हाँ गाइज, तो आप इसको किस तरह से सही करा सकते हो, आप लोग भी यही चीज़ खोज रहे होगे, आखिर मैंने इसे कैसे कराया, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताने जा रहा हूँ, जो कि मैं आपको पूरा एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा मेरे साथ शुरू से लेके अंतिम तक, लास्ट तक, और जब मैंने ये चीज़ करा लिया उसके बाद भी मेरा क्या रहा, कैसा रहा, और मैं किस तरह से इसको जो है हैंडल कर रहा हूँ, और अभी मैं मतलब अभी मुझे कैसा एहसास हो रहा है। जी हाँ गाइस, तो चलते हैं शुरुआत पे। होता क्या है कि स्टोरी जो है कुछ 10 साल पहले की होती है। जी हाँ गाइस, जब मैं छोटा बच्चा था, जी हाँ गाइस, तब की स्टोरी है ये कि मैं साइकिल चला रहा था, और साइकिल चलाते चलाते मैं जो है आगे वाला ब्रेक मार देता हूँ, मतलब पीछे वाला नहीं मारता हूँ, डायरेक्ट आगे का मार देता हूँ, और गाइस उस वजह से जो है मेरी आगे की जो टायर है वो स्लिप कर जाती है और मैं भी गिर जाता हूँ। और गाइस ये चीज़ हुआ था कहाँ, तो ये रोड पर हुआ था। जी हाँ गाइस, तो रोड पर हुआ था, तो हुआ क्या एक्चुअली कि मैं फेस के ही तरफ से गिरता हूँ, जो गाइस मेरा दांत जो है थोड़ा सा हल्का सा आगे की तरफ है, तो होता क्या है कि डायरेक्ट यहाँ पे आके मुझे जो है ये चीज़ का सामना करना पड़ता है। सीधे जो है वो पत्थर की तरह, जैसा ऐसा लगा जैसे कि दांत सीधे पत्थर से टकराया हो, और पूरा दिमाग हिल गया मेरा कुछ देर के लिए। कुछ देर बाद क्या होता है कि मैं देखता हूँ जब, तो मेरा आधा दांत यहाँ पे मैं जब टच करता हूँ हाथ से, तो देखता हूँ क्या कि मेरा आधा दांत जो है मेरा गायब है। जी हाँ गाइस, और ये मेरे साथ हुआ था, और मैं ये घर पे नहीं बता सकता था, क्योंकि गाइस अगर घर पे बता देता तो और मार पड़ता कि भाई तुम साइकिल कैसे चला रहे थे, क्यों नहीं अच्छे से चला रहे थे। सो गाइस ये नहीं बता सकते थे बचपन में। सो गाइस ऐसा हुआ कुछ, और ये हो गया एक्चुअली, और उसके साथ बाद जब मैं ये जाके अपना फेस देखता हूँ आईना में, तो गाइस ये पता चलता है क्या कि ये यार बहुत बेढंगा लगा, बट उस समय बच्चे थे तो कुछ उतना फर्क नहीं पड़ता था, कुछ भी हो जाए यार कोई फर्क नहीं पड़ता था। सो गाइस ये कुछ हो गया, और 10 साल बाद अब जाके मेरे साथ क्या हो रहा था, जब मैं स्माइल कर रहा था तो मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि मेरा जो ये दांत है आधा है, अगर ये पूरा होता तो कितना अच्छा दिखता। ऐसे ही मैं घर पे बैठ के कुछ सोच रहा था कि अगर पूरा होता तो कैसा दिखता, कितना अच्छा होता, अगर मैं स्माइल करता कितना अच्छा लगता। सो गाइस इन सब चीज़ों को सोचते हुए मैंने सोचा कि यार ये क्या फीलिंग भी होता है क्या, हो सकता है कि मैं इसको फिल करा लूँ, आधा को पूरा करा लूँ, ऐसा कि कोई है क्या प्रोसेस। तो जी हाँ गाइस, मैं YouTube पे जाता हूँ और मैं धीरे धीरे देखता हूँ कि यार YouTube वाले, मतलब कि YouTube पे हर चीज़ मिल जाता है, तो मैं ये भी देखता हूँ कि यार कहीं है क्या, तो मुझे कोई ऐसा वीडियो नहीं मिला। मुझे डेंटिस्ट के, हर एक डेंटिस्ट का ऐसा वीडियो मिला, टूथ कैपिंग का, टूथ फिलिंग का, लेकिन गाइस ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला जो कि खुद बंदा वो कराया हो और पूरा शुरू से लेकर अंतिम तक स्टोरी बताया कि क्या कैसे हुआ, क्या प्रोसीड्यूर था, क्या दर्द करता है नहीं करता है। ये इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा जो है टेंशन में था कि यार दर्द करेगा, दांत जो है रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है बहुत ज़्यादा दर्द करेगा। सो गाइस किस किस से ये प्रोसेस है मैं ये आपको पूरा बताने वाला हूँ। सो गाइस होता क्या है कि बात कुछ आज से 5 दिन पहले की है, मैं जाता हूँ डेंटिस्ट के पास और मैं पूछता हूँ कि भैया मेरा जो ये ऐसा है इसको क्या मैं पूरा फिल करा सकता हूँ। तो गाइज वहाँ पे डायरेक्ट डॉक्टर से नहीं बात किया, हाँ उसके बाहर जो रिसेप्शन पे होते हैं उनसे बात किया, तो गाइज वो बोलते हैं कि हाँ आप दिखा लीजिए डॉक्टर साहब से। तो मैंने उनसे दिखाया, तो डॉक्टर साहब बोले कि भाई तुम जो है ये फिलिंग अगर हम कर देते हैं तो आपका फिर से टूट जाएगा और फिर से वैसा ही हो जाएगा, आपको क्या करना होगा कि पहले आपको RCT कराना होगा और उसके बाद आप टूथ कैप लगेगा। जी हाँ गाइस, मतलब दांत की तरह ही एक दूसरा दांत लगेगा, वो दांत से हल्का सा भी डिफरेंट नहीं रहेगा और आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा कुछ दिनों के बाद आगे जा करके। तो मैंने बोला कि वाह कितना अच्छा चीज़ है, लेकिन अब डिसीजन लेना था यार कि किस तरह से मैं कराऊँ, क्योंकि दुखता है भाई रूट कैनाल ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा रूट दुखता है आपके दांत का। तो गाइज़ ये डिसीजन लेना मेरे लिए एक बहुत ही अजीब सा चीज़ था, क्योंकि गाइज़ कुछ भी अपने बॉडी के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करना बहुत ही गलत होता है, बट गाइज़ अब क्या करें, मन तो कर रहा था। फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं डिसीजन लेता हूँ, 2 दिन बाद मैं फिर डॉक्टर के पास जाता हूँ। फिर डॉक्टर के पास जा करके मैं पूछता हूँ कि भाई अब क्या सीन है, कितने दिन लगेंगे, तो बोलते हैं कि आपको मैंने उस दिन भी बताया था और आपको जो है टोटल 3 दिन लगेंगे। ये 3 दिन कैसे, फर्स्ट दिन आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट होगा, दूसरे दिन आपका क्या होगा कि आपका दांत जो है सेप में कर दिया जाएगा कैप लगाने के लिए, और थर्ड दिन आपका कैपिंग हो जाएगा। जी हाँ गाइस, तो ये 3 दिन जो है उन्होंने बताया, बट ये अल्टरनेट बताया, यानी कि 1 दिन बीच करके 3 दिन, मतलब टोटल 6 दिन हो गया, तो वो लगेगा। मैं जाता हूँ, सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि यार
कर दीजिए, मैंने डिसीजन ले लिया। तो गाइज मैं सबसे पहले रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराता हूँ। रूट कैनाल ट्रीटमेंट जब मैंने कराया ना, मैं क्या बताऊँ, धीरे धीरे जब दांत घिसने लगा तो गाइज कुछ पता नहीं चल रहा था, बट धीरे धीरे जब वो अंदर की तरफ जाता है, यानी कि जब वो मतलब अंदर में जो आपके नस कनेक्ट रहते हैं दांत से, जो कि सेंसेशन आपके दिमाग तक पहुँचाते हैं, तो वहाँ जब जाने लगा ना, तो यार जब घिसने लगे दांत और धीरे धीरे वो कटने की कगार पे आने लगी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने क्या किया कि भाई पूछा दर्द हो रहा है, तो मैंने कहा जी दर्द हो रहा है। तो गाइज उन्होंने क्या किया कि एक मतलब कि एक ऐसा दवा दिया जिससे कि वो पूरा सुन हो जाए वहाँ का एरिया, और आपको कुछ भी सेंसिटिविटी या फिर कि कुछ भी आपके दांत के साथ छेड़छाड़ हो रहा हो वो पता ना चले। तो उन्होंने वो सुई लगाया, और सुई लगाने के कुछ मिनट्स के बाद, यानी कि लगभग कुछ मिनट्स नहीं, कुछ सेकंड्स के बाद, 20 या 30 सेकंड्स के बाद आपको कुछ भी वहाँ पे पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। दर्द करेगा बट बहुत ही कम, यानी कि समझ लो कि अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का पेन हो रहा होगा तो आपको एकदम हल्का सा पता चलेगा। तो गाइस ये करके रूट कैनाल ट्रीटमेंट उन्होंने किया और वो चीज़ को हटा दिया। उसके बाद बोला आप क्या कि आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट आपका हो गया, आप डे आफ्टर टुमारो आइए। यहाँ गाइस तो मैं जाता हूँ फिर से एक दिन बाद, और वहाँ पे क्या होता है कि फिर घिसा जाता है दांत, और उस दिन मेरा थोड़ा बहुत दर्द किया था, ज़्यादा कुछ भी नहीं, एकदम हल्का मिनिमल। तो गाइस वो पूरा किया गया सब, जो मेरा मेन दर्द किया वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट में किया गाइस, और मैं बार बार डॉक्टर साहब का हाथ पकड़ ले रहा था, बट गाइस अब क्या करें, कराना था। तो फिर गाइस मैंने उसको शेप में लाया सबसे पहले, और शेप में लाने के बाद फिर डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई आप हाँ, और रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुआ था तो आपको दो तरह का दवाई दिया जाता है, एक एंटीबायोटिक और एक दर्द की दवाई जो कि आपको दर्द करेगी, और एक बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक दवा दिया जाता है, वो आपको 3 दिन तक खाना होता है। अब जब मैंने डे आफ्टर टुमारो गया, उस समय जो है पूरा शेप में उसको कर दिया गया, फिर मुझे बोला गया कि भाई आप डे आफ्टर टुमारो आइए। तो फिर से मैंने एक दिन बीच करके फिर मैं गया और वहाँ पे मेरे लिए एक कैप वहाँ पे लगा के देखा गया। मैंने देखा तो यार वो कैप जो था वो एकदम परफेक्ट, मतलब कि आप जो देख रहे हो ना दांत मेरा, आप पहले देख लो कि मेरा दांत जो है किस तरह से है, और पहले मेरा किस तरह से था मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो गाइस जरा सा भी कलर में डिफरेंस नहीं, और सेम दांत एकदम हो गया। और गाइस मैं जैसे स्माइल कर रहा हूँ तो मुझे कुछ फर्क भी नहीं, मुझे मतलब पता भी नहीं चल रहा है कि यार कि मेरे दांत जो है आधा टूटे हुए थे, वो तो है नहीं तो पता नहीं चलेगा बेसिकली, बट मेरा स्माइल भी अब बहुत ही अच्छा हो गया है पहले के मुताबिक। यानी कि पहले अगर मुझे स्माइल करना था यार, मुझे तो दांत छिपा करके करना रहता था, यानी कि मुझे ऐसे स्माइल करना रहता था। अब मैं खुलेआम दांत दिखा करके भी स्माइल कर सकता हूँ क्योंकि मेरा दांत जो है कम्प्लीटली फिल हो चुका है। गाइस मैं लगाने के बाद क्या हुआ, लगाने के बाद ये हुआ कि मुझे आध घंटा तक ये रुई जो है, क्योंकि वो लोग दांत का ही एक लिक्विड फॉर्म का, जो जिस चीज़ से दांत बना हुआ होता है उसी चीज़ का लिक्विड फॉर्म का एक ग्लो होता है जो कि वो डालते हैं, और वो गाइस वो सूखने में कम से कम 15 मिनट लगता है। तो मुझे बोला गया कि भाई आप रुआ को दबा करके आधे घंटे तक इसको रखे रहिए, और वो रखने के बाद मैंने आधे घंटे के बाद रुआ फेंक दिया। और गाइस अब मैं बेसिकली एकदम नॉर्मल, हल्का हल्का कुछ कुछ लग रहा है सेंसेशन कि हाँ भाई मेरे दांत में कुछ हुआ है, बट गाइस उतना कुछ पता नहीं चलता है। और गाइस बेसिकली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसके लिए जा सकते हो, बहुत ही इजीली आप इसको करा सकते हो, आपके लिए बहुत ही अच्छा ये होगा, आपके दांतों के लिए, आपके स्माइल के लिए, आपके ओवरऑल लुक के लिए। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो, ये जर्नी थ्रू बहुत ही अच्छी लगी होगी सुन करके डॉक्टर के रेस्पेक्ट में। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और गाइस शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।